भाजपा नेताओं द्वारा शाहरुख खान की फिल्म पठान के बायकॉट और विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेताओं को बड़ी नसीहत देते हुए कुछ ऐसी बात कह दी है जो बॉलीवुड के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मामला भाजपा के दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का है। वहां पर फिल्मों के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करने वाले भाजपा नेताओं को पीएम मोदी ने नसीहत देते हुए कहा कि कुछ लोग फिल्मों पर तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो कि मीडिया पर पूरे दिन चलाए गए, इस तरह की बयानबाजी से बचने की जरूरत है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब भाजपा से जुड़े हुए लोग शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर तमाम तरह का हुड़दंग और हंगामा मचा रहे हैं, बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेकर महाराष्ट्र के भाजपा नेता राम कदम और बिहार के भाजपा नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल और सांसद प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग पठान फिल्म को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री मोदी का अनावश्यक बयानबाजी से बचने वाला बयान काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही साथ उम्मीद जताई जा रही है कि अब इस तरह के लोग जो मीडिया में थोड़े बहुत फुटेज के लिए हंगामा खड़ा कर देते हैं उन पर लगाम लग जाएगी और क्रिएटिव लोगों को उनका काम स्वतंत्र तरीके से करने दिया जाएगा।